ये आपका लेकी नारलगन महिंद्रा शोरूम, ये जगह है आपका मैनुअल थार है और इसका सेकेंड टॉप मॉडल है, तो ये आपका पड़ता है 18 लाख 99,000 ऐसा कुछ बोल रहा था। और ये रेड वाला है आपका ऑटोमेटिक, सॉरी वो मैनुअल है और ये ऑटोमेटिक है, और इसका प्राइस बोल रहा था आपका 18 लाख 99,000। तो ये ऑटो है रेड वाला, ऑटोमेटिक है और इसमें, और ये गाड़ी दोनों अभी अवेलेबल है लेकी में, और साइड प्रोफाइल थोड़ा देखिएगा, साइड प्रोफाइल ऐसा है। और इसका व्हील बेस करेगा, तो व्हील बेस आपका बात करेगा तो आपका आता है 2850। और ये है आपका टायर, एलॉय व्हील है और ग्राउंड क्लियरेंस का आपको बात करेगा 226 ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। प्राइस भी अच्छा है और यहाँ से काफ़ी हैवी देखता है। हम लोग अभी अंदर बैठ के भी दिखाएगा, तब तक के लिए आदमी बहुत है तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर करेगा तब तक के लिए। तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी है और कंपनी इसका क्लाइम माइलेज क्लाइम करता है 12 to 14 डीजल में और पेट्रोल में, और आपका डीजल में आपका क्लाइम करता है 13 to 15 16। और बूट स्पेस खोल के देखते हैं, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, बूट स्पेस ऐसा देखता है। और ये बूट स्पेस को अगर सीट पीछे का सीट दोनों को न माने से आपका बूट स्पेस पड़ेगा, कंपनी का क्लाइम है 644 लीटर का आपका स्पेस मिलेगा। ऑलरेडी लेदर फिनिशिंग दिया हुआ है यहाँ मैंने, और दोनों कार में आपको चाहे वो बेस मॉडल सॉरी ये आपका ऑटो हो या मैनुअल हो, तब तक ले लुक्स देख लीजिए काफ़ी अच्छा है। और जो आप लोग ये बताने वाला था कि दोनों कार में चाहे वो ऑटो हो या बेस मॉडल हो, दोनों में आपको 6 एयरबैग मिलेगा और 5 सीटर है। रेड वाला का भी देखिए काफ़ी सुंदर है, और इसमें आपका खाली नहीं हो रहा, अंदर घुस के दिखाते हैं। तो सॉरी ये ऑटो है, तो ऑटो में घुस के दिखाएगा, अंदर से ऐसा है, डोर भी काफ़ी हैवी है, तो अंदर घुस के देखते हैं। तो आपका ड्राइवर सीट में बैठने के बाद नज़ारा ऐसा है, काफ़ी ऊंचा है और डिस्प्ले भी है, और कंपनी आपको क्लाइम करता है, डिस्प्ले का साइज़ है आपका 10.11 समथिंग कुछ है। और ये ऑटो है, तो ऑटो में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स तो नहीं दिया हुआ है देख रहे हैं। तो अंदर से ऐसा देखता है, और हैंडल जो आपका क्रोम फिनिश, ये लेदर फिनिश है, और जो नहीं महिंद्रा में जो नया लोगो है वो तो यहाँ ऑलरेडी हुआ है। और इसका फीचर्स जो आपको थोड़ा बताएगा हम जो अंदर में बैठ के, जो जो नॉर्मली जो होता है सब है, एसी वेंट सब है, और ये सब देखना पड़ेगा। फिलहाल तो ये महिंद्रा रॉक्स जो आपका पिकअप ट्रक है, जो काफ़ी अच्छा है, ऑफ रोडिंग के लिए कार बना हुआ है। और इस कार का आपका फ्यूल कैपेसिटी है 57 लीटर, जो कि बहुत अच्छा है।
और इसमें यही मॉडल में आपको सनरूफ भी मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ है ये जो देखिए। तो आप लोग और डाला में भी घुस के दिखाएगा, बने रहिए। तब तक के लिए पीछे स्पेस कैसा इसको हम देखते हैं। तो पीछे सा ऐसा है, ओह माय गॉड, दौर तो आपका पूरा 90 डिग्री घूमता है, काफ़ी अच्छा है। पीछे बैठ के देखिए, देखिएगा तो लेग के लिए भी आपका काफ़ी स्पेस है, बहुत ही बड़ा है। और पीछे बैठने के बाद आपका नज़ारा ऐसे दिखता है, ड्राइवर सीट और आगे का वो। दोबारा देखिए, पैनोरामिक सनरूफ है। और इसमें पीछे तरफ देखा जाए तो आपका इसमें भी एसी का दिया हुआ है, यूएसबी चार्जर भी दिया हुआ है। तो बार बार बता दूं आप लोगों को, इसमें आपका एडास का आपका फीचर्स मिलता है, और इसमें चाहे ऑटो हो या मैनुअल हो, और इसका आपका तो कंपनी वाला ये भी बोलता है कि आपका इसमें पार्किंग सेंसर है, रेन सेंसर है, काफ़ी अच्छा है। और ये लोग टॉप स्पीड क्लाइम करता है, ये लोग 155 किलोमीटर टॉप स्पीड का क्लाइम है कंपनी का तरफ से, तो काफ़ी अच्छा है, पीछे से ऐसा देखता है। बने रहिए आप लोग, रेड अलर्ट में भी घुस के दिखाएगा, पीछे में भी काफ़ी डोर सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत हैवी डोर है, साउंड भी अच्छा है इसका। तो ये रेड कलर वाला ऑलरेडी पीछे बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे बैठ के देखेगा आपका पैसेंजर चेयर पे, आगे सीट पर, सॉरी पैसेंजर आगे सीट पे। और इसका दरवाज़ा खुलता है आपका 80 डिग्री, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें बैठ के देखेगा, दरवाज़ा का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये रेड कलर वाला है इसके, बट यहाँ पे क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है और ये क्या है, इतने ही सामान रखने के लिए। तो हैंडलिंग भी दिया हुआ है इसमें। दोनों ऑटो है इसका, पहले तो बताने लगा बोल रहा था कि ऑटो और मैनुअल है, पर यहाँ देखा है तो दोनों ऑटो है, बस कलर डिफरेंस है और मॉडल थोड़ा डिफरेंस है। तो बने रहिए, बाहर जाके अभी दोनों को आपका आगे का लुक्स दिखाएगा आप लोगों का। तो दोबारा देख लीजिए, आगे से लुक्स ऐसा है, बहुत सुंदर। और आप लोग को बुकिंग करना उनसे आप लोग आ सकता है लेकिन महिंद्रा शोरूम। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।